नजरीन, आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच 10 अक्टूबर को भारतीय शहर हैदराबाद अखन में खेला गया, जिसमें ग्रीन शर्ट्स ने 345 रन का पहर जैसा हदफ हासिल करके तारीख रकम कर दी। इस जीत में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली ने 4 विकेट हासिल की, जबकि बैटर अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरियां बनाकर कलीदी किरदार अदा किया। अब्दुल्ला ने 103 गेंदों पर 113 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान ने 121 गेंदों पर 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, जिसकी तारीफें पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के तजियाकारों ने भी की है। मैच में पाकिस्तानी इनिंग के दौरान रिजवान को क्रैम्प से यानी रगों में खिंचाव पड़ना शुरू हुआ। उसका आगाज उस वक्त हुआ जब रिजवान ने दौरान बैटिंग एक गेंद को उछल कर खेलना चाहा, उसके बाद वो गिर गई और उन्हें टांग की रगें खींचती हुई महसूस हुई। इस सूरत हाल के बावजूद रिजवान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बाद ऐसा उन्हें वक्फे वक्फे से क्रैम्प्स पड़ते रहे, लेकिन वो फिर भी शेर की तरह क्रीज पे जमे रहे और कौमी टीम को यादगार और तारीखी फतेह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। मैच के बाद जब क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, तब साइमन डोल ने रिजवान से उनके क्रैम्प से मुतालिक सवाल किया। जवाब में रिजवान ने कहा है कि कभी कभार ये क्रैम्प्स होते हैं, लेकिन कभी कभार अदाकारी भी होती है। रिजवान का ये जवाब देते ही कहका लगाया और साइमन डोल भी हंस पड़े और अब ये पोस्ट वायरल हो रही है। नाज़रीन, तब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।